नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे कविता कैदी और कोकिला। इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये बात है आजादी से पहले की, मतलब जब हमें आजादी नहीं मिली थी 1947 से पहले। उस समय बहुत से लोग आजादी के प्रति सचेत थे, आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उनमें से एक माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं। इन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, उन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको अंग्रेज जेलों में डाल दिया करते थे। उनसे उनको गुलाम बना लिया जाता था। जेलों में बहुत से यातनाएं दी जाती थी, बहुत सा काम करवाया जाता था, बहुत से दुख पहुंचाए जाते थे। उनमें से एक माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं जिन्होंने ये सब भोगा है। एक बार की बात है कि जेल में वो उनको नींद नहीं आ रही है, रात हो गई है, बहुत घनी रात है। कोई लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कोयल की एक आवाज आने लगी। कोयल कूक रही थी। जब उन्होंने बाहर देखा तो बाहर एक कोयल कूक रही है। अब उसकी कूक को, उसकी आवाज को कवि एक अनुमान लगाता है कि क्यों वो कूक रही होगी, इतनी रात गए वो क्यों कूक रही है। इन बातों का अनुमान लगाते लगाते उन्होंने एक पूरी कविता लिख डाली कि शायद कविता सॉरी शायद कोयल ये कह रही होगी, या वो इस समय इसीलिए कूक रही होगी, या ये होगा, ये हुआ होगा उसके साथ। इस तरह से कई अनुमान वो लगाता है जो हम इस पूरी कविता में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने बारे में भी बताते हैं कि हमें वहां पर किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं। तो इसका नाम भी ऐसा ही है, कैदी। यहाँ पर कैदी है माखनलाल चतुर्वेदी जी, और दूसरे कोकिला। कोकिला मतलब कोयल, कोयल अर्थ होता है इसका। तो यहाँ कैदी और कोकिला की बात है। चलिए शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम क्या गा रही हो, इतनी रात हो गई है, तुम क्या गा रही हो। उनसे वो प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। क्यों रह रह जाती हो, क्यों रह रह कर तुम बीच बीच में क्या गा रही हो, तो कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या अब कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, तो वो संदेशा जो है वो किसका संदेशा लेकर आई हो। ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। अब इस पैराग्राफ में अपने बारे में कवि बताते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मतलब मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ। मतलब यहाँ जो जेल में मैं कैद हूँ वो ऊंची है और काले रंग की है। अक्सर जेलों की दीवारें काले रंग की होती हैं। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं कैद हूँ और मेरे आसपास और भी कैदी हैं जो शायद डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, बटमार यानी लूटने वाले, उनके डेरे में मैं रह रहा हूँ। मतलब वो भी बहुत हैं आसपास। तो मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर और लूटने वालों के बीच में कैद हूं। ये कोयल को संबोधित करते हुए कवि बता रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ये हमें जीने भी नहीं दे रहे। मतलब मुझे हमें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, कैदियों को अच्छी तरह पेट भर खाना भी नहीं दे रहे। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ये हमें मरने भी नहीं देते, इसीलिए हम तड़प तड़प कर जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हमारे ऊपर अब दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। पहरा कौन लगाए हुए है, अंग्रेजी सरकार। तो अंग्रेजी सरकार ने हम पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रखा है। ये कैसा शासन है, ये शासन नहीं, ये तो तम का प्रभाव गहरा है। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे अत्यधिक बुराई फैल रही है। तम मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरे का प्रतीक है, अंधेरा प्रतीक है बुराई का। तो यहाँ ऐसा लग रहा है, कभी कहता है कि ये शासन ही नहीं, ये तो तम का प्रभाव गहरा है। मतलब बुराई ही अत्यधिक फैल रही है, ये तो बुराई का प्रभाव ही है जो हम पर इतना दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। हिमकर, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा निराश होकर चला गया है और अब तो इतनी अत्यधिक काली रात हो गई है। मतलब चंद्रमा अब जा चुका है और अत्यधिक काली रात हो गई है, लेकिन तुम इस समय में भी काली माँ मई काले रंग से युक्त। काली माँ मई का अर्थ होता है काले रंग से युक्त, यानी कोयल ही है यह। तो हे काले रंग से युक्त, तुम इस समय क्यों जगी हो, क्यों जाग रही हो, क्योंकि अब तो चंद्रमा निराश होकर वो भी चला गया है और अत्यधिक काली रात हो गई है, इस समय में भी तू क्यों जाग रही है। आली मतलब होता है सखी, हे सखी तुम इस समय क्यों जाग रही हो। क्यों हूक पड़ी, क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी मतलब तुम्हें क्या पीड़ा है, हूक माने होता है पीड़ा, तुम्हें क्या पीड़ा है, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारी आवाज में तो ऐसा लग रहा है जैसे वेदना से दबी हुई हो। वेदना मतलब पीड़ा, पीड़ा से तुम दबी हुई हो। वेदना और हूक दोनों का अर्थ एक ही है। तो तुम्हारी आवाज ऐसी लग रही है जैसे तुम्हारी आवाज में कोई वेदना
छिपी हुई हो, वेदना यानी पीड़ा, तुम पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी लग रही हो। हे कोयल बताओ तो, क्या लूटा, क्या किसी को लुटते हुए देख लिया है, क्या तुमने किसी को लुटते हुए देख लिया है, इसीलिए तुम चीख रही हो, इसीलिए कूक रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल यानी मीठी, वैभव माने होते धन संपत्ति, लेकिन यहाँ पर धन संपत्ति है आवाज, किसकी आवाज, कोयल की। तो तुम मीठी आवाज की रखवाली करने वाली हो, मतलब तुम्हारी तो इतनी मीठी आवाज है, तुम इस समय में क्यों कूक रही हो, इतनी रात को क्यों जाग रही हो, हे कोयल बोलो तो। अब आगे भी कवि कोयल के कूकने का अनुमान लगाते हुए क्या कहता है, देखिए कि क्या अनुमान लगाता है। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, बावली मतलब पागल, अर्धरात्रि को चीखी, तुम आधी रात को जो चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, हे कोयल बताओ तो, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं, दावानल मतलब जंगल की आग, क्या तुमने किसी जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली हैं, इसीलिए तुम कूक रही हो, हे कोयल बताओ तो, कोकिल बोलो तो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, क्या तुम मेरे हाथों में हमारे शरीर पर देख नहीं सकती कि हमने जंजीरों के गहने डाल रखे हैं, मतलब हमने हमारे ऊपर जो जंजीरें लगी हुई हैं, यानी हमें बंदी बना रखा है, बंदिश में डाल रखा है, क्या तुम ये देख नहीं रही हो। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, हाँ तो पैरों में जो जंजीरें डाल रखी हैं ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, इन्हें तो हम गहने के रूप में स्वीकार किए हुए हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल भी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जैसे और भी बहुत से लोग थे, उन्हें बिल्कुल भी इस बात की शर्म नहीं थी कि हम जेल में हैं, बल्कि वो तो गर्व करते थे कि हम आजादी के प्रति जेलों में आए हैं, तो इसीलिए वो ये बात लिखते हैं कि हथकड़ियां नहीं है, हथकड़ियां क्यों, यह तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये तो ब्रिटिश राज के गहने हैं जो हमें दिए गए हैं। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। आप जानते होंगे कि पहले कोलू चलता था, और कोलू जब चलता था तो वो गोल गोल चलता था और उसमें से आवाज आती थी, वो एक तरह की मशीन थी, किस चीज के लिए, मसाले पीसने की, मसाले पीसने की एक मशीन थी, चाहे वो गन्ने का रस निकालना हो, आजकल तो बिजली से चलने वाली रस सॉरी मशीन आ गई है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पहले कोल्हू चलता था, उसी से मसाले और रस निकालना ये सब हुआ करते थे, बैल चलाते थे, लेकिन ये समय है आजादी से पहले का, तो अंग्रेज बैलों पर खर्चा नहीं करते थे, उनके पास गुलाम बहुत थे, यानी जेलों में जो कैद थे वो गुलाम ही थे उनके, तो उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। चित्र में आप देख ही रहे हैं किस तरह का कोलू हुआ करता है, तो ये बैलों की बजाय इंसानों से चलवाते थे, तो वो जो कोलू था एक मशीन थी, वो जब चलाते थे वो गोल गोल घुमाते थे तो उसमें से आवाज आती थी, मतलब एक किस तरह की आवाज, चर्रक चुकी आवाज आती थी, तो उसको ही संगीत मान लिया था उन्होंने, उनका संगीत तो वही था, उन कैदियों का संगीत तो वही था, क्योंकि उनके पास और कोई तो साधन था नहीं, तो उनको ही वो संगीत, उनको ही गीत मान लिया करते थे और वही सुनते थे, तो वही बता रहे हैं, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, जो कोल्हू का चर्रक चू है, यानी चर्रक चू की जो आवाज आती है वो हमारे जीवन का संगीत है, तान मतलब संगीत। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हम और हमारी उंगलियों ने मिट्टी पर ही, गिट्टी मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी पर ही हमने अंगुलियों से गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, पहले आप सुन लीजिए कि ब्रिटिश जो शासन था, यानी अंग्रेजी सरकार थी, तब उस समय गुलामी करवाते थे जैसा आप पहले भी सुन चुके हैं, तो जो कुएं में से पानी निकलवाया ना होता था, तो वो इस तरह से निकलवाते थे, जैसे बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी के ऊपर मतलब बैल के ऊपर एक लकड़ी डाली जाती है, उसे कहते हैं मोट, और उसके गले में एक पट्टा डाला जाता है, उसे कहते हैं जुआ, तो इस तरह का एक उपकरण हुआ करता था जो कुएं में से पानी निकलवाते थे, मतलब वो एक लकड़ी, इस तरह का मोट आदमी पर डाल देते थे और एक पट्टा पेट पर लगा देते थे, और जब वो आदमी खींचता था उसे, तो वो बाल्टी जो अंदर गई हुई है कुएं के वो बाहर आ जाती थी और पानी निकल आता था, तो वो काम भी कैदियों से ही करवाया जाता था, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जब जब मैं मोट खींचता हूं पेट पर जुआ लगाकर, यानी वो पट्टा लगाकर, तो जब जब मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रिटिश अकड़ को, ब्रिटिश यानी अंग्रेजी सरकार की अकड़ को खाली कर रहा हूं, उनके कुएं को खाली न करके, यानी उनमें से पानी न निकाल के, ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं उनकी अकड़ को खाली कर रहा हूं, उनको तोड़ रहा हूं, ऐसा उसको महसूस होता था। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में तो वो रो नहीं पाते थे कैदी, कारण यही था कि दिन में अगर वो रोने लग जाएंगे या अपना दुख दिखाने लग जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार समझ जाएगी कि ये टूट चुके हैं, ये हार चुके हैं, तो वो अपनी हार को दिखाना नहीं चाहते थे, हालांकि दुखी थे वो उस गुलामी से, लेकिन वो दिखाते नहीं थे, रात को जरूर रोते थे, रात को जरूर दुख मनाते थे जब वो सभी सो जाते थे या कोई नहीं देख रहा होता तब, तो ऐसा ही शायद कोयल भी कर रही हो, ऐसा एक अनुमान लगाता है
कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी, एक अनुमान लगाते हैं क्या कि शायद वो भी दिन में अपनी अपने दुख को नहीं दिखाना चाहती, इसलिए रात में रो रही है, रात में कूक रही है। ऐसा अनुमान लगाते हुए क्या लिखते हैं कवि, देखिए, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों दिखे, जगे मने दिखना, क्यों दिखे रुलाने वाली करुणा क्यों दिखे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, हे सखी, अली का मतलब सखी, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, मतलब करुणा दिखा रही हो, कब, रात में। तो आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, इतना शांत समय है, तुम इस अंधकार में, इस अंधकार को भेद कर, उसको चीर कर क्यों रो रही हो, हे कोकिल, बोलो तो, कोकिल बताओ तो, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, मधुर विद्रोह के बीच, मधुर विद्रोह क्यों कहा गया, मधुर इसलिए क्योंकि उनकी, उसकी मीठी आवाज है, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज को इस भांति बो रही क्यों हो, इस तरह के बीज को क्यों बो रही हो, कैसा बीज है वो, मधुर विद्रोह का, मधुर विद्रोह रूपी बीज क्यों बो रही हो, मतलब मीठी आवाज में विद्रोह क्यों कर रही हो, हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। अब इस पैराग्राफ में कवि काले रंग को लेकर कितना अच्छा चित्रण करता है, कितनी अच्छी बात लिखी है उसने, देखिए, काली तू, रजनी भी काली, तू भी काली है, मतलब कोयल, और रजनी माने रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, शासन, ये जो शासन है, इनके करने, इनके काम भी काले ही हैं, काला यानी बुरा, इनके काम भी, कर्म भी बुरे ही हैं, काले रंग के ही हैं, काली लहर कल्पना काली, काली लहर है, मतलब जो लहर चल रही है, जो माहौल बना हुआ है, वो भी बहुत बुरा है, यानी काला है, और कल्पना, ये जो सोचते हैं, मतलब जो कल्पनाएं करते हैं अंग्रेजी सरकार के लोग या अंग्रेजी शासन, जो कल्पना करती है, ये भी काली ही है, मतलब बुरी सोच वाले ही हैं ये, मेरी काल कोठरी काली, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भी काले रंग की है, मतलब मेरी जो जेल है उसकी दीवारें काले रंग की ही है, टोपी काली, जो मैंने टोपी पहन रखी है वो भी काली है, और कंबली काली, मुझे जो कंबल दे रखा है, कंबली माने कंबल, वो भी काले रंग का ही है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो हमने जंजीरें डाल रखी हैं वो भी काले रंग की ही हैं, पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की हुंकृति, हुंकार क्या, हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, और हुंकार क्या होता है, जब भी कोई चौकीदार आपने देखा हो या कभी सुना हो, चौकीदार एक आवाज देता है, जागते रहो, या इस तरह की और भी कई आवाज, उसको हुंकार कहते हैं, पहरे के समय हुंकार दी जाती है ताकि लोग सचेत रहें, तो अंग्रेजी सरकार पहरा दे रही है तो उसके साथ वो हुंकार भी भरती है, मतलब हुंकार भी देती है, तो पहरे की जो हुंकार है वो ब्याली की भांति है, ब्याली मतलब होता है सर्पिणी, सांप का स्त्रीलिंग, जिस तरह से सांप इस तरह से कुंडली लगाकर रखता है, घेरा बनाकर रखता है, इसी तरह से हम पर भी इन्होंने घेरा बना रखा है, इतना कड़ा पहरा बना रखा है, यानी सांप की भांति इन्होंने हम पर पहरा लगा रखा है, तिस पर ए गाली, तिस पर माने इस पर, इस पर भी हमें गालियां ही मिलती हैं, हे गाली, हे सखी, इस पर भी हमें गालियां ही मिलते हैं, इस काले संकट सागर पर, ये जो काला संकट था, ये सारा चीजें काली ही थी, मतलब ये जो सोच थी इनकी, ब्रिटिश शासन की, इनके जो काम थे, ये सब कुछ काले रंग के ही हैं, और ये बुरा ही सोचते हैं, तो इस काले संकट सागर पर, यानी इस काले रंग के, यानी इस बुरे संकट सागर पर, संकट रूपी सागर पर, मरने की मदमाती, मरने की मदमाती छाई हुई है, मदमाती यानी मस्ती, हम पर मरने की मस्ती छाई हुई है, मतलब हम मरने के लिए भी तैयार हैं अगर हमें मरना पड़े तो, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीत, मतलब इतने सुंदर सुंदर गीत इस सागर पर, इस काले संकट सागर पर कैसे तैरा लेती हो, किस तरह से आगे बढ़ा रही हो, कितना अच्छा गा रही हो, या आप तुम कैसे कर लेती हो, हे कोकिल बोलो तो। अब इस पैराग्राफ में कवि अपने और कोयल के बीच कितना अंतर है ये बताते हुए क्या लिखता है, देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली है, मतलब तू हरी डाली पर निवास करती है, और मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे तो ये कोठरी, काली रंग की कोठरी ही नसीब हुई है, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा तो नभ भर में संचार है, मतलब तू यहाँ वहां खुले रूप में घूम सकती है, पूरे आकाश में घूम सकती है, नभ माने आकाश, आकाश में इधर उधर जा सकती है, संचार माने इधर उधर घूमना, और मेरा 10 फुट का संसार, मैं तो 10 फुट, मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, मतलब जहां मैं कैद हूं वो कोठरी वो 10 फुट की ही है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तेरे गीत तो कहावे वाह, वाह मतलब तेरे गीत तो वाह वाह कहलवाते हैं, मतलब तेरी प्रशंसा होती है जब तू गाती है, और जब हम रोते भी हैं तो वो भी हमारे लिए गुनाह बन जाता है, क्यों गुनाह, इसीलिए क्योंकि जब वो कैदी रोते हैं या अपना दुखड़ा बोलते हैं या सुनाते हैं या गाते हैं या रोते हैं, तब उनको मार पड़ती है क्योंकि वो शोर कर रहे होते हैं, तो उनको तो रोना भी गुनाह माना जाता है,
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, तेरी और मेरी बीच कितनी विषमता है, विषमता माने अंतर, तेरे और मेरे बीच कितना अंतर है, और इस पर भी, ये जानते हुए भी तू रणभेरी बजा रही है, रणभेरी तिस पर यानी इस पर भी तू रणभेरी, रणभेरी यानी युद्ध का नगाड़ा, पहले जब युद्ध हुआ करते थे, स्टार्ट हुआ करते थे युद्ध, तो उस समय नगाड़ा बजता था, तो उस नगाड़े का मतलब होता था कि युद्ध शुरू कर दिया जाए, तो अब इस पर भी मतलब इतना बड़ा अंतर है तेरे और मेरे बीच, तो इस, ये जानते हुए भी इस पर भी तू युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। अब इस आखिरी पैराग्राफ में कवि क्या कहता है, पहले आप सुन लीजिए, कि लोगों में जागरूकता भरनी थी उस समय, कब, जब आजादी नहीं मिली थी, और जागरूकता किस चीज की, कि लोग आजादी के प्रति सचेत हो जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो आजादी के प्रति सचेत नहीं थे, वो आगे नहीं आ रहे थे आंदोलन में, और जब वो भारतवासी जितने भी थे, अगर वो आगे आ जाते, मतलब हर कोई इसके प्रति सचेत हो जाता, तो आजादी बहुत पहले मिल जाती, लेकिन कुछ लोग लगे हुए थे, और जो लोग लगे हुए थे वो जानते थे कि बाकी लोग भी अगर जागरूक हो जाएं, बाकी लोग भी अगर साथ आए, तो बात बन सकती है आसानी से, मतलब आजादी मिल सकती है, तो जो लोग जागरूक थे वो बाकियों को जागरूक कर रहे थे, तो वो किस तरह से, कि आंदोलन करके, रैलियां निकालकर, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो ऐसा ही कवि भी पूछता है कि मैं अपनी रचना से ऐसा और क्या करूं जिससे लोगों में जागरूकता आ जाए, लोगों में जागरूकता आ जाए, और जो स्वतंत्रता सेनानी ने अपना व्रत लिया हुआ है कि हमें आजादी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग थे, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जो व्रत लिया हुआ है आजादी के प्रति, ऐसे ऐसा मैं क्या करूं अपनी रचना में कि वो व्रत सभी के अंदर आ जाए, वही आनंद, वही इंटरेस्ट वो सभी के अंदर भर जाए, ऐसा मैं अपनी रचना से क्या करूं, ऐसा वो आखिरी पैराग्राफ में बताते हैं। देखिए, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कृति मतलब रचना, तो इस हुंकार पर, इस पहरे की जो हुंकार है, इतनी हुंकार भरी हुई है, यानी कड़ा पहरा लगा रखा है हम पर, उसके बावजूद भी अपनी कृति से, अपनी रचनाओं से मैं और कहो क्या कर दूं, मैं क्या करूं, हे कोयल बताओ तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, तो गांधी जी के व्रत पर, यानी गांधी जी के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, प्राणों का आसव, आसव माने आनंद, जैसे जिस तरह से मोहन ने व्रत धारण किया हुआ है, गांधी जी ने व्रत को धारण किया हुआ है, अपने अपने प्राणों का आनंद बनाया हुआ है, मतलब उन्हें आनंद आता है इस काम में, आजादी के प्रति काम, जो आंदोलन चल रहे हैं उन कामों में, तो इस तरह का आनंद और किस किस में भर दूं और कैसे भर दूं, हे कोयल बताओ तो। इस तरह की कविताएं, इस तरह के पाठ अगर आपको और भी पढ़ने हैं, व्याकरण के टॉपिक्स देखने हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।